खुद पर इतना यकीन तो है, उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। तुम अगर होश में रहे तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, हम अगर नशे में रहे तब भी दबदबा कायम रहेगा। कामयाबी की रफ्तार थोड़ी धीमी ही सही, लेकिन जिस मुकाम तक जाएंगे खुद के दम पे जाएंगे। यूं किसी का तलवा चाट के कॉलर टाइट करने का टैलेंट हमने सीखा नहीं। जो लड़की हर लड़के से बात करती है उन्हें हमारे लैंग्वेज में 500 वाली बोलते हैं। बात अगर इज्जत की हो तो जेंडर कोई भी हो ना, माँ चोट दी जाएगी। तुम शेर हो तो हम भी तुम्हारे बाप है, मजाक में लेने की गलती मत करना हमें, सिस्टम हमारा भी बहुत खतरनाक है। फाइनली अब पुरानी फॉर्म में आ रहा हूँ, अब बहुत से लोग नफरत करेंगे मुझसे। सच ये नहीं है कि लोग बदल जाते हैं, सच ये है कि लोगों के नकाब उतर जाते हैं। चार लड़कों से बात करके अपने आप को जो स्मार्ट समझती हो ना, हम उसे अपनी लैंग्वेज में रंडी बोलते हैं। जो लड़कियां कहती हैं हमारे पीछे बहुत लड़के दीवाने हैं, उन्हें मैं बता दूं, सस्ती चीजों पर अक्सर भीड़ होती है। ब्रो कुछ आ गया मेरे पैर के नीचे। ओह ये तो तुम्हारा एटीट्यूड है। मेरे दोस्त सुंदर घर को देखकर उसको पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि सुंदर घर के दरवाजे अक्सर बड़े होते हैं, और ये बात घर के लिए नहीं थी। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, और रंडी से प्यार करोगे तो धोखा ही खाओगे। So sexy. मकाब थोड़ा बच के रहियो लाडले, क्योंकि जिसके लिए हम सुधरे थे वो अब हमें छोड़ के जाली। तुम्हें कोई धोखा दे तो फर्क पड़ता है? पहले पड़ता था और अब असर भी नहीं होता। आजकल समझ नहीं आ रहा है इतने छोटे छोटे पौधे पर इतने बड़े बड़े पपीते कैसे लटक रहे हैं। अब मैं खुद भी नहीं चाहता कि कोई मुझे चाहे। घर से छूट तो हमें भी बहुत मिली हुई है, पर कभी सिगरेट पी के धुआं फूकने के शौक नहीं किए। ताश का जुआ और 2 इंची का कुआं आदमी की जिंदगी हमेशा बर्बाद कर देती है, समझ में आया ना लाला? समझ रहे हो? बेटा तू जिस रानी के लिए रोज स्टोरी लगाता है ना, हम उस रानी पर राज करके बांस करके नाश करके बैठे हैं। मेहनत को करके काबू, किस्मत का दरवाजा खुलवाना है, जो कहते थे ना बच्चा उनसे पापा बुलवाना है। चूहे के बिल में जाकर जब तक इनकी लेना लेना तब तक ये सांप नहीं मानते, और जब तक इनकी माँ ना चना चोर गरम वाला तब तक ये साले बाप नहीं मानते। फिर से शुरू हो गया शादियों का मौसम मेरे दोस्त, अब ना जाने कितनों की सच्ची मोहब्बत गैरों की पलंग तोड़ेगी। कुछ रिश्तेदार कहते हैं ये ऊंचे ऊंचे बाल मत कटाया करो, मैंने कहा जिंदगी मेरी है तुम बीच में टांग मत अड़ाया करो। अरे कौन सी बड़ी बात है, तेरे पीछे बहुतों की लाइन लगी है तो अब तू भंडारे के प्रसाद की तरह सब में बटेगी तो भक्तों की लाइन तो लगेगी ही ना। भैया जी आप तो लड़कियों के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, लौटना मुश्किल हो जाता है। आजकल की लड़कियों को प्यार करके निभाने वाला नहीं, खिला पिला कर सुलाने वाला चाहिए बेंच। अकेले रहना एक नशा है और आजकल मैं फुल नशे में हूँ। मेरे भाई आदमी में कलेजा होना चाहिए, बॉडी सोडी बना ली, डोले सोले बना लिए, सिक्स पैक निकाल लिए, अमर थोड़ी हो गया, गोली से तो मर सके है क्या ना। आजकल मैं इतना बेशरम हो चुका हूँ, अगर कोई मेरी बुराई भी करता है तो भी मुझे तारीफ ही लगती है। वो तितली है मेरे दोस्त, अब हर एक फूल का तो चूसेगी ही रास, और ये बात तितली के लिए नहीं थी।
इतनी सारी लड़कियां मुझे भैया भैया बुलाती है, पता नहीं मेरे पापा किस किस की माँ को चुनरी ओढ़ाई है। किसी ने सही बोला है, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई ना होवे। गलत फहमी है लोगों की कि रावण घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। आज तक कोई पापा की परी पैदा नहीं हुई ब्रो, जो मेरे चेहरे की हंसी छीन सके। और कुछ लोगों के दर्द भरे स्टेटस देखकर दिल करता है सब काम छोड़कर पहले इनके महबूब ढूंढ कर दूं। झुंड में उछलने वालों, गलती से अकेले मत मिल जाना। जिसके भाव बढ़ जाए उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या फिर पापा की परी। अरे रोटी और गोली, हाँ तो वो कच्चा ना होला। अच्छा एक वो रंडी के प्यार, हाँ भाई अमर, हाँ अब वो सच्चा ना होला। आजकल सब रंडी पारा में चला तारी संजीव। मुझे नहीं चाहिए वो पायल जो हर जगह बजती हो।